मेरे पास ऐसे ही खतरनाक एक्सीडेंट का एक और न्यूज है। महाराष्ट्र से मिस्टर कमल शर्मा जी ने मुझे मेल किया है और रिसेंटली हुए टाटा टियागो के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। सर ने बताया कि ये एक्सीडेंट हाई स्पीड में महाराष्ट्र के किसी हाईवे पर हुआ है। फोटोज देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि टियागो कंटेनर में पीछे से लड़ी है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार पूरी की पूरी कंटेनर के अंदर घुस गई। इस टक्कर में टियागो का पूरा रूफ मुड़ते हुए पीछे चला आया, जिसके बाद इसका टेलगेट भी निकलकर बाहर आ गया। इसके अलावा बाकी पूरी कार में कहीं से भी कोई डैमेज नहीं दिख रहा है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी कार में बैठे ड्राइवर और पैसेंजर को बहुत ही माइनर सी इंजरीज हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कार का टॉप तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फिर भी इसमें बैठे लोगों को क्यों कुछ नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी। गाड़ी को आप ध्यान से देखिए, इसका दोनों तरफ का ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से वैसे का वैसा ही सेफ है। अगर इस एक्सीडेंट में पिलर्स डैमेज होते तो कार में बैठे ड्राइवर और पैसेंजर को मेजर इंजरीज आ सकती थी, लेकिन थैंक्स टू टाटा मोटर्स बिल्ड क्वालिटी जो ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट्स में भी अपने पैसेंजर्स को कुछ नहीं होने देते हैं। अब आप ही बताएं कि ऐसी कंपनी को कोई पैसे लेकर क्यों प्रमोट करेगा। एक तो ये कंपनी हम लोगों की जान भी बचाती है, ऊपर से कुछ लोग बोलते हैं कि ये पैसे देकर अपना प्रमोशन करवा रही है। ये एक्सीडेंट्स तो रियल ही होते हैं ना, इनको थोड़ी ना टाटा मोटर्स पैसे देकर करवाती है। आप और भी किसी कंपनी के कार का ऐसा एक्सीडेंट दिखा दीजिए जिसमें कार ट्रक और कंटेनर से लड़ने के बाद भी अपने पैसेंजर्स को सेफ रख पाए। ऐसा कोई भी एक्सीडेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता तो वो सामने जरूर आता, और वाकई में ऐसी कोई सेफ कार होती तो इस लिस्ट में उसका भी नाम टॉप पर होता। लेकिन इस लिस्ट की टॉप 5 कार्स सिर्फ टाटा और महिंद्रा के ही हैं, और ये दोनों ही इंडियन ब्रांड्स हैं। इनके अलावा भी 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके कई कार्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है, और वो कार्स भी बड़े से बड़े एक्सीडेंट में अपने पैसेंजर्स की जान बचा लेती हैं। लेकिन इतने कम बजट में टाटा टियागो से ज्यादा सेफ कार और कोई भी नहीं है। आप अगर इस सेगमेंट की कोई भी कार लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इसे जरूर देखें। मैं ये नहीं बोल रहा है कि आप इसी कार को लें, मैं बस ये बोल रहा कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी दें, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी के कार में आपको मिले।